जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो 28 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अर्थात तीसरी बार मोदी सरकार यह तय है। कांग्रेस सहित जो कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन के साथी हैं, उनकी नकारात्मक विपक्ष की भूमिका रही है, कभी देश की भलाई की, गरीब की भलाई की, किसान की भलाई की, नॉर्थ ईस्ट की भलाई की, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भलाई की, यह कभी सोचे ही नहीं। इनका एक ही लक्ष्य रहता है, सत्ता प्राप्त करो, लूटो और बस एक जुट होकर के देश को बर्बाद करो। प्रधानमंत्री के जवाब के ये लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखना शुरू करी तो सब वॉकआउट कर गए। एक किस तरह का वॉकआउट वाला मैसेज है कि ये मैं एक शब्द बहुत खराब हो जाएगा, मतलब ये कायरता है। अगर आप अपनी बात सदन में रखते हो तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, अगर उसके प्रति अविश्वास जताया है आपने, तो यह जिम्मेदारी है कि जब जवाब दिया जा रहा है तो उसको सुनो, और अगर सुनने का साहस नहीं है तो कहने से भी बचो। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन को भी नाम दिया है गठबंधन, घटिया बंधन कहा है, और इसके ऊपर उन्होंने और भी सारी चीजें, घमंडी गठबंधन है, और घमंड तो है ही, यह घमंड ही है कि जिस कांग्रेस की अगुवाई में जब सरकार मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट में हुआ करती थी, तब उस पूरे नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा किया, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो नॉर्थ ईस्ट का विकास कितना तेजी से हो रहा है हम लोगों ने भी देखा है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वह विषय को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, वह विषय विपक्ष की ओर से जो भी चर्चा बढ़ाई जा रही, बनाई जा रही है, वो एकदम गलत है। मैं मानता हूं कि जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, और 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।